कंचनडीह स्थित एकता फेरो एलॉयज फैक्ट्री में बीती रात 10 से 15 की संख्या में अपराधियों ने सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर लगभग 40,000 की संपत्ति लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही फैक्ट्री के मालिक एवं निरसा पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सुरक्षाकर्मी हकीम अंसारी ने बताया कि जब वह सुबह पाली में फैक्ट्री पहुंचे तो फैक्ट्री का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी आवाज़ देने के बाद भी रात पाली में तैनात सुरक्षाकर्मी मोइन अंसारी और सक्तो रंजन मिश्रा ने कोई आवाज़ नहीं मिलने से मैं घबरा गया और इसकी सूचना पास के एक कर्मी तथा मालिक को दी। उन लोगों की मौजूदगी में जब अंदर प्रवेश किया तो देखा कि दोनों को अपराधियों ने रस्सी में बांधकर डीजे रूम में उलट कर रख दिया है। उन दोनों के साथ अपराधियों ने मारपीट भी किया। हम लोगों ने उसे बंधन मुक्त कराकर निरसा पुलिस को जारी जानकारी दी। पुलिस घटना की जानकारी मिलने के बाद जांच में जुट गई है। जलगांव में घटना की, हम ड्यूटी में जब आए 8 बजे तो देखे ताला बंद है, ठीक है, ताला बंद है। देखे कि कमरे गेट खोल नहीं रहा, आवाज गेट नहीं खोला तो हम मजबूरन ये नौसाद भाई गेट नहीं खोल रहा तो चलिए ना अंदर, गेट नहीं खोल रहा, खड़ा आधा घंटा तो गेट नहीं खोला, तो लोग बुला के लाए, तब दीवार थोड़ा पकड़ा के देखे तो ताला लॉक किया हुआ, तब ताला तोड़ के वो जो आदमी तो किया तो देखो रस्सी से बांधा पड़ा हुआ है। उसके बाद आप क्या किए? उसके बाद हम तो कुछ किए नहीं, क्या करेंगे। मालिक सोचना, हमने ये साइकिल लेता दिए, मतलब कि उसका जो आया गार्ड रहेगी का नाम है गैस वाला के, क्या बोलता है गैस पिलन के, उन लोग अप्रोच भाई आया था, साइकिल लगता का ये का नाम है कमाल आया था, ये सब आया देखा यार, सब नाम मालूम नहीं। तो क्या वो लोग बंधे पड़े हुए थे? बड़े बंधे पड़े थे। खोला कौन उनको? खोला गांव वाले, खोला वही लोग, खोला सब मिलकर, नौसाद था उसको लड़का था, सब मिलकर खोला। देखिए कैमरा प्रशासन आई थी, प्रशासन खोलने के टाइम प्रशासन नहीं था, बाद में प्रशासन आया। आपका नाम? मेरा नाम हकीम।